नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रमेश राज ब्लॉग में आप सबों का स्वागत है। सो दोस्तों, आज कर्मा पूजा की दूसरा दिन है और कर्मा पूजा की आप सबको मेरे परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। सो दोस्तों, अभी हम सुबह सुबह आ गए हैं खेतों की तरफ और मेरे काम में देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार से है झाड़ी, जो कि हम लोग इसको बोलते हैं इंद। तो कर्मा पूजा का दूसरा दिन ये खेतों में गाड़ने का नियम होता है दोस्तों, तो वही हम करने जा रहे हैं। बाकी इधर भी देखिए, सभी कोई अभी खेत में घूम घूम के और गाड़ रहे हैं। इस तरह से देखिए, इधर गाड़ दिए और सुबह सुबह का नज़ारा मस्त है दोस्तों। देखिए, रात में पूरा बारिश हुआ था और ये तालाब देखिए पूरा भरा है। तो मेरा इधर ही एक ठो खेत है छोटा सा, तो वहीं पे अभी जा रहे हैं। सबसे पहले वहीं पर गाड़ने का शुरू करते हैं और फिर गाड़ते गाड़ते उधर चले जाएंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, कितना अच्छा पानी उतर रहा है, फ्रेश पानी है एकदम। पूरा रात में बारिश हुआ। इधर देखिए भैया गाड़ रहे हैं इधर खेत में, और ये वाला धान थोड़ा पीछे लगा था तो थोड़ा ये देखिए बाकी खा गया, यानी कीड़ा। हम अपने खेतों में पहुंच गए। ये देखिए छोटा सा खेत, हम भी ये वाला पीछे लगाए और मेरा वाला भी कीड़ा खा रहा है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से गाड़ते हैं। चलिए आप दूसरा खेत में उधर जाएंगे, दूसरे साइड। थोड़ा आरी में देख देख के चलना पड़ता है, नहीं तो निकल जाएंगे तो गिर जाएंगे। रोड पकड़ लिए और रोड रोड ही जाएंगे, और भैया भी जा रहे हैं अभी। चलिए आगे जाना है। हाँ, आगे जाना है एकदम उधर। हो हाँ, बहुत लंबा दूर ले चेक है। हाँ, भैया उधर चले गए और हम इधर जाएंगे। दो ठो खेत है इधर। खेत पहुंच गए, बहुत ही अच्छा हरा भरा है। खाद छिड़काव कर दी है ना, इसलिए हरा पूरा दिख रहा है। चलिए रखते हैं यहाँ पर और एक ठो को गाड़ते हैं। और नीचे बहुत ही ज़्यादा घास भी हो गया है, इसीलिए ज़्यादा हरा भरा दिख रहा है मेरा खेत। यहाँ पे गाड़ दिए और दूसरा वाला खेत अब चलते हैं, वहाँ भी गाड़ देते हैं। चलिए उठाते हैं, चलते हैं नीचे वाला खेत। और इधर देखिए छोटू सब भी आ गया है इन गाड़ने ना, सब कोई गाड़ रहे हैं अपने अपने खेत। देखिए इधर कुछ कुछ गाड़ के और चले गए हैं और बाकी उधर नहीं गाड़े हुए हैं, अभी सभी कोई गाड़ेंगे। तो ये वाला है मेरा, चलिए इसी में गाड़ते हैं फिर। और इधर निकाल किए हुए हैं तो घास भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये सब को भी निकाल रखेंगे। बीचों बीच में देंगे खेतों के बीचों बीच। तो गाड़ दिए इन, काफ़ी मस्त हो गया। इसमें से आप चिड़िया उड़िया के बैठेंगे और यहाँ देखभाल करेंगे मेरा खेत का। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब क्या होता है गाड़ने से, तो ये सब दोस्तों पूर्वजों का नियम है, पहले से लोग गाड़ते आ रहे हैं, आज भी परंपरा को लोग नहीं छोड़े हुए हैं, इसीलिए सभी कोई गाड़ते हैं और हम लोग भी गाड़ते हैं। बस देखा देखी और जो पहले से सिस्टम बना हुआ है वही सिस्टम को आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। तो चलिए ये सब घास को निकाल दे रखते हैं। इनके धीरे धीरे सभी कोई आ रहे हैं, उधर भी आ गए एक ठो।
सभी घास को निकाल के फ्रेश कर दिए, क्योंकि जहाँ जहाँ पे घास रखा हुआ था थोड़ा इस तरह से लुदबुदा गया थोड़ा। तो हम पहुँच गए जहाँ पे रखे थे, ये देखिए यहीं पे रखा हुआ है। चलते हैं उठाते हैं ये सबको फटाफट और इधर से खेतों में गाड़ते हुए चलेंगे घर की ओर। और घर का उस साइड में भी एक दो टोखे थे, उस सब में भी लगाएंगे, इसलिए इतने सारे ले लेंगे। तो वेट नहीं करते हैं, उठाते हैं फटाफट। तो कंधों पे उठा लिए हैं, चलते हैं शॉर्टकट में। और ये रहा छोटा सा तालाब, मस्त पानी है। और उधर देखिए सुबह सुबह बैलों को लेकर आके इधर चरा रहे हैं अभी। तो खेत पे पहुंच गए दोस्तों, यहाँ पे गाड़ लेते हैं, उसके बाद घर का उस साइड चलेंगे। तो पूरा हरा भरा ये भी है, यहाँ पे फिलहाल ही दवा डाले हुए हैं, तो यहाँ पे उतना कीड़ा भी नहीं है। चलिए गाड़ते हैं, यहाँ पे गाड़ दिए और अब इतना सा बच रहा है, एक दो तीन ठो। तो चलते हैं, एक भैया वाला में भी गाड़ दे रखते हैं, भैया वाला में भी गाड़ दिए, इनका पूरा एकदम हरा भरा है। और रात में पानी आया था तो पूरा इधर खेत में भी पानी भरा हुआ है ये सब। यहाँ पे देखिए ये सब, चलते हैं घर का उस साइड वाला खेत में, दो ठो है वो सब में बिगाड़ते हैं। और इधर का नज़ारा देखिए बहुत ही अच्छा, घर पहुंच गए और यहाँ पर भी दे दिए अपने घर में नज़र गुजर के लिए। और संजय की मम्मी इधर बर्तन धो रही है, सब बच्चे निकल गए हैं अभी। चलते हैं ये साइड, अब दो ठो बचा हुआ है, उस सब में भी गाड़ के आते हैं। ठीक भैया, जाए जाइए। ठीक, बहुत अच्छा, पूर्वजों का मड़े पहुंच गए। ये देखिए रात में यहीं पे कर्मा गड़ाए गाड़े हुए थे हम लोग यहीं पे कर्मा गाड़ते हैं, जो कि पूर्वजों ने यहाँ मानते आए हैं, यही अखरा है हम लोग का। चलिए यहीं पे एक दे रखते हैं, चलिए गाड़ दिए। और भी लोग दे के चले गए हैं, कुछ उधर रख दिए हैं और कोई इधर गाड़ दिए हैं। और ये हम लोग का करम गोसा है, सुबह सुबह भेंट कर लेते हैं। ये वाला खेत भी पहुंच गए, अधेरे वाले भैया सब अपना अपना खेतों में गाड़ के और चले गए घर। गाड़ते हैं ये भी, गाड़ दिए। और ये धान सबसे पहले लगाए हैं, अब कुछ ही दिनों के बाद में अभी फूटेगा, पूरा बड़ा बड़ा हो गया। और एक ठो वहाँ पे है, तो वहाँ पे जाके गड़ना होगा। चलिए इसमें भी गाड़ते हैं, अब ये भी पूरा बड़ा बड़ा हो गया है मेरा धान। हो गया, आखिरी था मेरा यही। हाँ तो गया,
दोस्तों एक दतपन तोड़ लिए और पानी भी आना चालू हो गया। जल्दी चलेंगे नहीं तो फिर जाएंगे, कुछ बचने का भी नहीं लाए। सोलर टंकी के पास आ गए। फिर यहाँ पे पैर हाथ धो लेते हैं। दोस्तों धोधा के घर आ गए और घर आने के बाद में आज का नियम है बासी भात खाने का, तो बासी भात तो नहीं है। और ये देखिए अभी गर्मा गर्म भात बन रहा है, बासी रोटी है, चलिए इसी को खाते हैं। आज नियम होता है बासी खाने का ना। बासी खाने से क्या होता है ये बताएंगे। हिंद गाड़ी बासी क्या खा पता है नहीं, हम लोग को पता है लेकिन लोग को देखते हैं कि बासी खाता है। और मम्मी भी बताती है कि ईद गाड़ने वाला को बासी खाना होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा नियम के लिए। तो हम लोग का बासी रोटी है तो इसी को खाएंगे अभी। संध्या खाई? चलो संध्या को भी एक टुकड़ा देते हैं। चलो पकड़ो, चलिए खाते हैं आप।